पिछले कुछ समय से सैमसंग ने मार्केट में अपने फोनों की एक छड़ी सी लगा दी है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज सैमसंग ने एक और नया फोन लॉन्च किया है, सैमसंग गैलेक्सी A70। इस फोन का दाम है 28,990 रुपये और ये मार्केट में उपलब्ध होगा 1 मई से, लेकिन इसकी प्री बुकिंग अभी से चालू हो चुकी है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं क्या इस फोन के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी चाहिए कि नहीं। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और मैं हूं संदीप, और आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अनबॉक्सिंग वीडियो और साथ ही साथ फर्स्ट इंप्रेशन गैलेक्सी A70 का। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेक इन इंडिया यूनिट है जहाँ पर लिखा हुआ है, और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे डिवाइस के अंदर ही देखते हैं क्या क्या है और इसके स्पेक्स आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ये तो आपका डिवाइस, फिलहाल तो डिवाइस तो हम साइड पर रख देते हैं। इसके अलावा आपको मिल रहा है फास्ट चार्जर, इसमें टाइप सी पोर्ट यहाँ पर भी और दूसरी तरफ भी टाइप सी पोर्ट होगा, और इस डिवाइस में ये जो चार्जर है ये 25 वॉट्स का चार्जर है। और इसके अलावा आपको मिल रहा है इस डिवाइस में नॉर्मल टाइप सी केबल, जिसमें दोनों तरफ टाइप सी के ही पोर्ट हैं। और इसके अलावा आपको मिल रहा है एयरफोन, और साथ ही साथ आपको मिल रहा है एक सिम इजेक्टर पिन। इसके अलावा भी देखते हैं कुछ और डिवाइस में है क्या। जी हाँ, देख लेते हैं, यूजुअल खोल लेते हैं। डिवाइस में आपको मिल रहा है यूजर मैनुअल, स्टार्टर गाइड, वारंटी कार्ड, और साथ ही साथ आपको मिल रहा है एक सिलिकॉन केस। अब इस प्रोडक्ट के बारे में आप आगे बताएं कि इसका डिजाइन कैसा है, इसके कैमरा इंटरफेस क्या है, बाकी चीजों के बारे में बात करने से पहले एक जल्दी से एक क्विक नजर डाल देते हैं इस डिवाइस के स्पेक्स की ओर। सैमसंग गैलेक्सी A70 में 6.7 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल और इसका एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। इसमें स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर है। उसके अलावा इस फोन में 6GB रैम है और 128GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसे आप चाहे तो microSD यूज करके 512 तक एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A70 के डिज़ाइन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं डिवाइस का ग्लास लुक आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका बैक पैनल वो है प्लास्टिक का, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और प्लास्टिक यूज़ करने की वजह से डिवाइस काफ़ी हल्का लगता है आपको हाथ में। और यहाँ पर यह भी बता दें कि जो सैमसंग गैलेक्सी के जितने फ़ोन अभी तक लॉन्च किए हैं A10, A50 तक, उसके बाद A80 तो वो अभी आने वाला है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट आपको बाकी सैमसंग गैलेक्सी A फोन के सीरीज जैसे A50, A30 से मिलता जुलता नज़र आएगा। A80 में आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन लैंग्वेज दिखाई देगा, लेकिन उसके अलावा आप बात कर लेते हैं इसके पोर्ट प्लेसमेंट्स की। इसमें आपको राइट हैंड पैनल में मिलता है वॉल्यूम रॉकर, उसके नीचे पावर ऑन बटन, बॉटम पैनल में आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक मिल रहा है ताकि आप अपने मनपसंद हेडफोन्स इसमें लगा सकें, और उसके बगल में आपको मिलेगा स्पीकर ग्रिल। और अब बात करते हैं इस फोन के सिम स्लॉट की। इसमें आपको 2 डेडिकेटेड सिम स्लॉट्स मिल रहे हैं और साथ में एक microSD कार्ड की जगह मिल रही है, यानी कि ट्रिपल कार्ड जिसमें आप लगा सकते हैं। सो ओवरऑल लुक एंड फील में डिवाइस काफ़ी लाइट वेट लग रहा है, जैसा मैंने को पहले ही बताया, और होल्ड करने में भी कोई कठिनाई नहीं आ रही है। लेकिन ये सिंस इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, जिसके बारे में आपको आगे बात करेंगे, तो शायद आपको एक हाथ से ऑपरेट करने में कभी कभी कठिनाई आएगी। अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इस फोन में आपके पास मिलता है 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और जैसे कि बाकी सैमसंग के फोन है उनकी तरह इसमें भी A70 का जो डिस्प्ले है काफ़ी वाइब्रेंट है, पंची है, और कलर्स काफ़ी अच्छे निखर के बाहर आते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो अच्छी है वो है कि ये फोन आता है वाइड वाइन L सर्टिफिकेशन के साथ। उसका मतलब यह है कि आप HD कंटेंट आपने फेवरेट OTT प्लेयर्स से जो आते हैं, जैसे कि Amazon हो गया, Netflix हो गया, आप इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा इस फ़ोन में आपके पास डॉल्बी एटमॉस भी है, जिससे आपको 360 डिग्री सराउंड एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको हेडफोन्स यूज़ करने पड़ेंगे। इस फोन में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिलेगा, और अगर आप
ड्यू डॉप नॉच के या ऊपर कटआउट के शौकीन नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप जाके इसको सेटिंग्स में बंद भी कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं सिक्योरिटी की ओर। अगर इस फोन को अगर आपको A70 को अनलॉक करना है तो आप यूज कर सकते हैं पिन लॉक, आप यूज कर सकते हैं फेस अनलॉक फीचर, और साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि स्क्रीन के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको एक डेमो दिखा देते हैं फेस अनलॉक फीचर का, और अब देख लेते हैं एक डेमो फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग का। तो दोनों में जैसे आप देख सकते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि फेस अनलॉक थोड़ा ज्यादा फास्ट है, और जब से हम ये फोन यूज कर रहे हैं तो इन फिंगर जो डिस्प्ले है फास्ट है, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। अब आगे ये बारी इस फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने की। सैमसंग गैलेक्सी A70 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर हमने पहले भी देखा है कुछ फोनों में, जैसे कि Vivo V15 Pro और साथ ही साथ Redmi Note 7 Pro में। इस फोन में जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें 6GB का रैम और 128GB की इंटेल मेमोरी है, तो हमें ये लगता है कि आपको इस फोन से इतनी मेमोरी के साथ, इतने रैम के साथ कोई कठिनाई नहीं आएगी, और जो हमने पहले भी डिवाइसेस देखे हैं जो 675 के साथ आए हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है फोन को यूज करने में। लेकिन बहरहाल इस बारे में हमको डिटेल में जरूर बताएंगे अपने रिव्यू में, क्योंकि ये तो फर्स्ट इंप्रेशन है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो इस फोन में है एंड्रॉयड 9 बेस्ड वन UI, और ये जो UI सैमसंग का नया UI है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें जो उनके पुराने UI होते थे उनके कंपैरिजन में। वन UI में कंपनी ने काफ़ी मेहनत की है, वो झलक भी रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके नेविगेशन काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं, इसका इंटरफेस काफ़ी स्मूथ हो गया है, और कभी भी आपको ट्रांजिशन के टाइम पर कोई भी लैग नज़र नहीं आएगा, और ना ही आपको कोई कठिनाई होगी किसी भी सेटिंग्स को एक्सेस करने में। अगर इस फोन के नेविगेशन की बात करें तो आप या दो तरीके से आप इस फोन को नेविगेट कर सकते हैं, या तो आप बटन्स को यूज कर सकते हैं जैसे अभी तक हम यूज कर रहे थे, या फिर आप जेस्चर्स को यूज कर सकते हैं। तो एक बार जेस्चर्स को ऑन करके देख लेते हैं क्या है। ऐसे आप करेंगे तो आपको रिसेंट एप्स का मेन्यू मिल जाएगा, बीच में से ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा होम स्क्रीन पे आ जाएंगे आप लोग। ऑपरेशन वाइज काफी अच्छा है, लेकिन जो डिजाइन है वो थोड़ा अजीब सा लगता है हमें कि पीछे नीचे बार्स लगा के रखे हैं, ये थोड़े से ऊटपटांग लगते हैं। लेकिन बेसिकली अगर काम की बात करें तो जेस्चर्स काम ठीक ठाक कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। अब रुक करते हैं इस कैमरा के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट की ओर, वो है कैमरा कैपेबिलिटीज। तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इसका जो कैमरा ऐप का इंटरफेस है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको मिलता है पैनोरमा मोड, प्रो मोड, लाइव फोकस मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड, सुपर स्लो मोड, स्लो मोशन और हाइपर लैप्स। लेकिन जो जिस चीज़ की हमें कमी लगी इस फोन में वो ये लगा कि पोर्ट्रेट वीडियो की सपोर्ट नहीं है, और हमें लगता है कि अगर डेप्थ सेंसर के बदले अगर कंपनी इसमें एक टेलीफोटो सेंसर डाल देती वो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। बहरहाल आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देते हैं। अभी ये कुछ सैम्पल्स हैं जो हमने इसके रियर कैमरा से लिए हैं, और आप देख सकते हैं ये जितने भी सैम्पल्स से ज़्यादा हमने ब्रॉड डे लाइट में लिए हैं। पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आ रही है, उभर के आ रही हैं, कलर्स काफ़ी निखरे हुए नज़र आ रहे हैं, और कोई इशू नहीं लग रहा है उनमें, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नॉइस या ग्रेन दिख रहा है। उसके अलावा अब जो आप सैम्पल देख रहे हैं वो है हाइपर लैप्स मोड का, ये हमने रात के टाइम पे शूट किया है और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। सैमसंग ने इस फोन में एक स्लो मोशन भी ऐड किया है, चलिए देख लेते हैं उसका एक छोटा सा टेस्ट वीडियो कि कैसा वो काम करता है। लेकिन यहाँ पर आप जैसा वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दें कि स्लो मोशन में एक ही लिमिटेशन है, एक फिक्स टाइम तक आप शूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 3 मिनट का या 5 मिनट का स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हैं, ये एक लिमिटेशन है, और जिसके बारे में सैमसंग से पूछा था उन्हें बोला अभी तो लिमिटेशन है, मे बी आने वाले टाइम में शायद ये लिमिटेशन गायब हो जाए। आपने ब्रॉड डे लाइट के तो शॉट देख लिए इस फोन के, अब बात कर लेते हैं लो लाइट कंडीशंस में शॉट कैसे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शॉट हमने लो लाइट में लिया हुआ है, और इसमें दो मोड पे लिया है, एक जब हमने वाइड एंगल यूज किया है और एक हमने नॉर्मल लेंस यूज किया है। आपको दोनों शॉट्स में काफी डिफरेंस नजर आएगी, जो आपने नॉर्मल मोड में शॉट लिया है उसमें
लाइटिंग काफी अच्छी आ रही है सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट के थ्रू, पिक्चर काफी ब्राइट नजर आ रही है, लेकिन सेम शॉट को अगर हम लो लाइट में ले रहे हैं वाइड एंगल लेंस यूज करते हुए तो वहां पर डिटेलिंग थोड़ी बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट से लाइटिंग इंप्रूव होती है वो उसमें आपको नजर नहीं आ रही है। तो ये थे कुछ शॉट्स जो हमने A70 से लिए हैं। तो डिटेल तो नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में आपको इसका डिटेल कैमरा रिव्यू आपको हम दिखाएंगे, जिसमें हम इसके हर एक एंगल, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी तक हमने बैटरी इसका टेस्ट नहीं किया या ये चार्जिंग टाइम कितना लेता है, लेकिन 4000 मिली एम्पीयर बैटरी आई थिंक एक दिन आराम से आपका निकाल सकती है, अगर आप हैवी यूजर है तब भी निकालेगी, और 25 वॉट का चार्जर से हमें उम्मीद है काफी है कि चार्जिंग टाइम काफी हद तक रिड्यूस होगा। अब आपको बताते हैं इस फोन का हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। सैमसंग ने काफी टाइम से एक के बाद एक फोन मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और डिफरेंट प्राइस पॉइंट में लॉन्च कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक, कंपनी का कहना है कि हम लोग यूजर्स को या कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स में चॉइस देना चाहते हैं। तो डिजाइन लैंग्वेज में अगर इसका हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ले रहा कि डिजाइन लैंग्वेज वही है जो अभी तक हमारे पास भारत में सैमसंग के बाकी फोन लॉन्च हुए जैसे कि A50 उससे मिलता जुलता इसका डिजाइन लैंग्वेज है। कैमरा कैपेबिलिटीज डिसेंट है, अभी उसको हमें टेस्ट करने की जरूरत है वो डिटेल में, लेकिन जो इसका डिस्प्ले है काफी अच्छा है, और जो चीजें हमें इस फोन में अच्छी लगी फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से, एक तो डिस्प्ले हमें इसका अच्छा लगा और साथ ही साथ हमें इसकी बैटरी अच्छी लगी। जो चीज अभी तक हमने डिटेल में टेस्ट नहीं किया है वो है परफॉर्मेंस, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने डिटेल रिव्यू में, लेकिन अभी के लिए हमारा एक लाइन बजट होगा, फोन इंटरेस्टिंग है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, खरीदना है कि नहीं वो हम आपको डिटेल रिव्यू में बताएंगे। So, इसके साथ ये वीडियो खत्म हो गया, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपके कोई भी प्रश्न है इस फोन से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब दें। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, गुड बाय।